भारत में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में कई राज्य अपनी जनता के लिए अलग अलग सुविधाएं दे रहे हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो और वो वैक्सीन भी लगवा लें। इसी क्रम में देश में सबसे पहले जम्मू कश्मीर ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन शुरू किया है, जिसमें लोगों को घर बैठे ही वैक्सीन की सुविधा मिलेगी और लोग भीड़भाड़ से बच सकेंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जम्मू जिले में मौजूदा लॉकडाउन अगले एक सप्ताह के लिए बढ़ाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि जम्मू में कोरोना संक्रमण दर 6% के आसपास है और नए मामले भी कम हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन कोई ढील बरतना नहीं चाहता। अभी तक जिला प्रशासन की ओर से गैर जरूरी सामान की दुकानों को केवल स्टॉक चेक के लिए खोलने की अनुमति मिली थी, लेकिन इस बार के लॉकडाउन में इन दुकानों को भी सप्ताह में 3 दिन बिक्री करने की अनुमति मिलने की पूरी संभावना है। वहीं दिल्ली में दिल्ली सरकार ने शनिवार को मॉडल टाउन स्थित छत्रसाल स्टेडियम में फ्री ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत की। फिलहाल यहां पर 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर केवल कार में आने वाले का ही नहीं बल्कि पैदल आने वाले या बाइक से आने वाले लोगों का भी फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ये भी कहा कि जब दिल्ली में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ जाएगी तो युवाओं को भी वैक्सीन लगाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए मुफ्त ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाओं में लोग बेहद खुश हैं।